जल्दी कर बेटा, अजय कब से इंतजार कर रहा है। हाँ माँ आई। ये लो, जब तक वो आती है चाय पी। थैंक यू चाची। कितनी बार कहा है चाची मैंने आपसे, आप लोग हमारे घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। अरे नहीं बेटा, तूने वैसे भी आज तक जो भी किया है वही क्या काम है, उसका ये एहसान चुका पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। तूने महक का एडमिशन इतने अच्छे कॉलेज में कराया, खुद उसे ट्यूशन पढ़ाता है, उसे कॉलेज छोड़ने जाता है, और यही बहुत है। अब तेरे घर पर रहकर तेरे पे बोझ नहीं बन सकते। चाची इसमें बोझ कैसा, आप भी तो मेरी चाची है, भले ही दूर की सही, पर माँ के गुजर जाने के बाद में आप लोगों के सिवा है ही कौन मेरा। और वैसे भी इतने बड़े घर में माँ अकेला रहता हूँ मैं, आप लोग आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तेरी उम्र भी तो हो रही है बेटा। चाची जब तक PhD नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। चलिए भैया। बाय माँ। बाय बाय। चलो चलो। बैठो आराम से। सुनो शाम को आता हूँ। बाय। एक कोड़ा एडमिशन, आज भी पढ़ाई करेगी कि हमेशा की तरह क्लास के बाहर खड़ी रहेगी। क्या हो गया अनु, अंदर नहीं जाना है? यार अंदर जाने का मन ही नहीं होता है, अंदर जाते ही क्लासरूम के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, और वैसे भी हमें अंदर जाके कौन सी पढ़ाई होती है, ज्यादातर तो हम क्लासरूम के बाहर रहते हैं पनिशमेंट के नाम पर। यार अनु ये सब छोड़, ये सब तो रोज का है ना, इतनी टेंशन मत ले। अच्छा अब मैं बैग ले ले, क्लास में चलते हैं। चल यार आ जा। मैं आई कमिंग मैडम। यस कम इन। आपने बुलाया मैडम? राजू आप ही के क्लास का स्टूडेंट है? कौन, वो कोटा एडमिशन? हाँ वही, उसके फादर की कंप्लेन आई है कि आपने उसे टॉयलेट साफ करवाया। राजू दूसरे स्टूडेंट्स को गाली दे रहा था इसलिए मैंने उसे पनिशमेंट दी। पर टॉयलेट? वो क्या है ना मैडम, ये कोटा वाले बच्चे बहुत ही सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और इनकी सोच भी उतनी ही छोटी है। ये हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह AC में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है जिन्हें धूप में खड़े होने की पनिशमेंट दी जाए, ये तो उसे भी इंजॉय करेंगे। बहुत ही सख्त चमड़ी वाले बच्चे होते हैं मैडम ये, अगर इन्हें कड़ी से कड़ी सजाने दी जाए ना तो ये लोग काबू से बाहर हो जाते हैं और फिर कॉलेज का माहौल खराब होता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। विनेश आपको जरा भी एहसास है आप क्या बोल रहे हैं? अरे माना कि दो चार बच्चे बिगड़े हुए हैं, उसकी वजह से आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, और पनिशमेंट के नाम पर टॉयलेट साफ करवाना, ये रवैया ना यहां नहीं चलेगा, आगे से याद रखिएगा। ठीक है मैडम, याद रखूंगा।
फिर अगर कॉलेज का माहौल खराब होगा ना तो मुझे मत बोलिएगा। उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। समझ में नहीं आता, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं या सब काम करने आते हैं? ये देखा, क्लास के बाकी बच्चे हम पे हंस रहे, हमें चिढ़ाते हैं, और अगर हम इन्हें कुछ कह देना तो टीचर्स आके उल्टा हमें ही सजा देते हैं। कभी ये साफ करो, कभी वो साफ करो, कभी टॉयलेट साफ करो। यार इससे अच्छा तो हम हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ही थे। हाँ यार तू भी सही कह रही है, और ये अपने क्लास टीचर विनेश सर, इन्हें क्या प्रॉब्लम है हम कोटा वाले बच्चों से, जब देखो तब क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और एक हमारे घर वाले, उन्हें लगता है हम यहाँ एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और हम कर क्या रहे ये। यार अनु अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पढ़ाई क्या खाक करेंगे हम। आज देखना मैं ना विनेश सर से बात करूंगी। नहीं नहीं यार वो फालतू में गुस्सा करेंगे। यार इतना क्यों डरती है उनसे, खा थोड़ी ना जाएंगे हमें। तो ये सब छोड़, ये बता तेरा हीरो आयुष किधर है, दिखाई नहीं दे रहे इतने दिनों से। पता नहीं यार, मेरी भी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे, पर आज सुबह उसका कॉल आया था लेकिन मैंने पिक ही नहीं किया। क्यों? आप दोनों को विनेश सर ने अपने केबिन में बुलाया है। वो भी सारी साफ सफाई? जी जी सर। बंद कर। सर आप हमसे ही सारे काम क्यों करवाते हैं, बाकी बच्चों से क्यों नहीं करवाते? अगर हम दिन भर सारे काम ही करते रहेंगे तो पढ़ाई कब कर पाएंगे? बहुत जुबान चल रही तेरी आज, लगता है यहाँ की चमक धमक ने दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों का। अच्छे कॉलेज में पढ़ने की आदत नहीं है ना, जमीन पर बैठ के पढ़ने की आदत जो है ना, इसलिए यहाँ की टेबल कुर्सी रास नहीं आ रही है। और हाँ ये अपना दिमाग थोड़ा पढ़ाई में भी लगा लिया कर, इस बार भी इकोनॉमिक्स में कम नंबर आए तेरे। ये देख सर आप दिन भर तो हमें क्लास से बाहर रखते, तो पढ़ाई में कैसे ध्यान लगा पाएंगे हम? चुप। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से बाकी स्टूडेंट कितना डिस्टर्ब होते हैं, क्यों झगड़ा करते हो तुम लोग क्लास में? अरे शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को मैंने रेस्टिकेट नहीं किया, ये छोटे मोटे काम करा रहा हूं। और तू एक बात बता, ये तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये अनु भी तो कर रही है ना काम, वो भी तो पढ़ाई करती है, इसके तो हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता हूँ। नहीं सर मुझे नहीं लेनी एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है तू जा यहाँ से, और हाँ ये चाय का कप लेती जा, कैंटीन में दे देना। और सुन फिर से क्लास में झगड़ा किया तो अगली बार से टॉयलेट साफ करवाऊंगा, समझी? आउट आउट। अनु अनु तुम इस बार भी इकोनॉमिक्स के टेस्ट में फेल हो गए हो, पर कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें इस बार भी पास कर दूंगा, बस तुम ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास लेती रहो। जाओ दरवाजा बंद करो, जाओ पास नहीं होना है, जाओ।
गुड, बस तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही पास करता रहूंगा। ऊपर देखो, मतलब तू यहां है? पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुझे, और तू मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? तू जा यहां से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे आई एम रियली सॉरी बाबा, फैमिली के साथ नानी के यहाँ क्या हुआ था, स्पेशली तेरे लिए आया हूँ, फैमिली दो दिन बाद आने वाली है, अब तो गुस्सा थूक दे। देख क्या लाया तेरे लिए। सच बोल रहा है ना? आई स्वेयर। अच्छा चल, माफ किया तुझे। तू ऊपर चलते ना मजे करने के लिए। आज नहीं। मतलब तू मुझसे अभी भी गुस्सा है? बाबा अब उठक बैठक लगाऊं क्या? बस बहुत होगी तुम्हारी ओवर एक्टिंग, मैं बस अनु का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर चलते हैं। हाय। क्या हो गया अनु, विनेश सर के कैबिन में इतना टाइम क्यों लग गया? वो विनेश सर के एक्स्ट्रा क्लास में थी। ओके। हाय आयुष। हाय। अनु तू ठीक है ना, कुछ हुआ? बस वो थोड़ा सर में दर्द है। ठीक है, ध्यान रख अपना। हाँ। और अनु सुनना, अगर अजय भैया बाहर आए तो तुझे पता है ना क्या बोलना है? फिकर मत कर, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं संभालूंगी सब, तुम लोग एंजॉय करो। बाय बाय। घर से 3 मिस कॉल यार, अगर अजय भैया को पता चला मैं घर लेट पहुंची हूँ ना तो बहुत डांट पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ऑब्वियसली तू ही ड्रॉप करेगा, पहले यहाँ से निकले। चलते। चल।
अरे चाची कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने। मैं कहाँ गई? पढ़ाई कर रही है, तुम जाओ मैं आती हूँ। ठीक है। महक, मैंने कहा था ना कि छुट्टी के बाद में मैं वेट करना, लेने आऊंगा, रुकी क्यों नहीं? भैया वो थोड़ा ना सर में दर्द था, इसलिए मैं ऑटो पकड़ कर चली आई। सर में दर्द? सब ठीक तो है ना? दवा वगैरह ली तूने? हाँ दवा ले ली है मैंने, और अभी सर दर्द भी चला गया। अपनी टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन? मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? ख्याल रखा कर अपना। अच्छा वो छोड़, वो तेरा आज इकोनॉमिक्स का टेस्ट था ना, दिखा दिखा। अरे इकोनॉमिक्स में तो अभी बुरा हाल है। नहीं भैया, बस डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं टिप्स दे रहा हूँ, लिख। ये ले, और कुछ चाहिए? नहीं माँ। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। माँ मुझे ना इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, सारे अमीर घर के बच्चे ना दिन भर चढ़ाते रहते हैं और हंसते रहते हैं, और सारे टीचर्स भी उन्हें ही सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए ना गवर्नमेंट कॉलेज ही ठीक था। तू पागल हो गई है? तुझे पता है तू कितनी नसीब वाली है जो इतने बड़े कॉलेज में तुझे एडमिशन मिला, और शुक्र मना आ जाएगा जिसने इतनी भाग दौड़ करके तेरी एडमिशन करवाई। स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा, तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए, दूध पी और पढ़ाई कर। जी माँ। चलिए भैया। अरे बेटे टिफिन तो लेती जा, ये ले। थैंक यू मम्मा। पूरा खत्म करना। हाँ। अब एक मिनट भैया। हेलो क्या? देखिए मैडम, अनु के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि दूसरे बच्चे उसको परेशान करते थे और टीचर भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। गरीब बच्ची थी इसलिए कोटा से एडमिशन हुआ था, डिप्रेस होकर उसने सुसाइड कर लिया। देखिए सर, हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वो जूनियर को परेशान न करें, फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो मानते नहीं हैं। और जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, फिर वो चाहे कोटा के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर। सर अनु के पेरेंट्स हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो उसके क्लास टीचर हैं, आपने उन बच्चों के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? सर उसे कोई परेशान नहीं करता था, बल्कि उल्टा वो सबको परेशान करती थी। वो एकदम जिद्दी और झगड़ालू टाइप की थी अनु, अक्सर उसी की गलती हुआ करती थी। और रही बात डिप्रेशन की, तो वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी, मैं तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिया करता था। अब आप ही बताइए सर, इतना सपोर्टिव टीचर कहाँ मिलेगा? लेकिन सर उसका पढ़ाई पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जब देखो फ़ोन पे चिपकी रहती थी, क्लास भी बंद करती थी वो। उसका कोई फ्रेंड? हाँ एक है, महक करके। बुलाइए उसे। रमेश। जी सर। महक को बुलाओ। इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं कोटा बेसिस? कोई 20-25 होंगे। मुझे उन सभी बच्चों की लिस्ट और एड्रेस चाहिए। मिल जाएगा सर, शाम तक का टाइम दीजिए हमें। ओके। अब सर ये महक है अनु की फ्रेंड। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। जी सर। बेटा तुम अनु की फ्रेंड हो, उसने कभी कुछ
परेशान रही हो, तुमसे कुछ शेयर किया हो। सर वो परेशान तो थी, पर क्यों थी ऐसा उसने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने बहुत बार पूछने का ट्राई भी किया है, पर वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। कभी पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान रही हो वो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट अनु तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उसके, और आज तक किसी भी मंथली टेस्ट में फेल नहीं हुई है। बेटा उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं सर, अगर ऐसा होता तो अनु मुझे जरूर बताती। अच्छा बेटा तुम्हारा भी तो कोटा बेसिस एडमिशन हुआ है ना, तुम्हें कोई बच्चा परेशान या कुछ और परेशानी तुम्हें तो नहीं? डरो मत आप, बोलो। स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा, तू बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए। नहीं नहीं सब, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बेटा तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं जाता कोई भी टीचर इस शहर के बाहर नहीं जाएगा, और हाँ लिस्ट भिजवा दीजिएगा। क्या हुआ, तूने भी किसी अमीरजादी से झगड़ा किया क्या जो विनेश सर ने पनिशमेंट दे दी? हाँ। महक तुमको विनेश सर ने बुलाया है। सर आपने बुलाया? इधर आओ। ये देखो इस महीने के भी मैथ टेस्ट में तुम फेल हो गई हो, सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है तुमने। सर लेकिन उस दिन मुझे पूरा टाइम ही काम मिला था, आपने ही तो पनिशमेंट दी थी क्लास से बाहर रहने की, और जब आधे घंटे बचे थे तब मुझे टेस्ट के बारे में पता चला, तो उतने कम टाइम में मैं सारे आंसर्स कैसे दे पाती? वो सब मैं नहीं जानता, तुम फेल हो और इस महीने के टेस्ट के नंबर फाइनल में काउंट होंगे। अब इस बार तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे, मैं तुम्हें भी पास कर सकता हूं जैसे मैं अनु को किया करता था। बस मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करती जाना। जाओ दरवाजा बंद करो, जाओ दरवाजा बंद करो। Good girl. अब मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करती जाना, और मैं तुम्हें पास करता रहूंगा। करूंगी ना जैसा मैं कहूंगा?
कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे हाथ लगाने की? तुम अनु के साथ भी यही करते थे ना? शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। पर मैं अनु नहीं हूँ। आज की बात मुझे टच किया ना, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हुआ, तुझे फिर क्लास से बाहर निकाल दिया क्या? पक्का तूने ही लड़ाई करी होगी। अरे नहीं यार, विनेश सर ने दिमाग खराब कर दिया, कमीना कहीं का। अच्छा सुन, मैं कुछ लेकर आया हूं तेरे लिए। ये अचानक से गिफ्ट? अरे मम्मा के साथ शॉपिंग पे गया था तो ये अच्छा लगा, ले लिया तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। मैं पहना देता हूँ। आयुष, मैं खुद से पहन लूंगी। अरे कोई नहीं है, मैं पहना दूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक किस दो ना। आयुष, कोई देख लेगा। कोई तो नहीं है यहाँ। तो ना। ये सब करने आते हो तुम कॉलेज? हाँ, मजाक बना दिया तुम लोगों ने कॉलेज का। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ? सॉरी मैडम, गलती हो गई। सॉरी सॉरी मैम। गलती हुई है ना तो भुगतना भी पड़ेगा। तुम दोनों बाहर बैठो। विनेश, आयुष के पेरेंट्स को बुलाओ अभी। पर मैडम, इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है, वो तो सीधा साधा बच्चा है। उसकी आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। ये सारी गलती इस महक की है। आप तो जानती है ना, किसी सोसाइटी को बिलोंग करती है वो, और उसकी सोच भी वैसी है, एकदम बैकवर्ड। वो जानबूझकर ऐसे रईस लड़कों पर डोरे डालती है जिससे उसके पैसों पे ऐश कर सके, और यही तो उसने आयुष के साथ किया। मैडम, अगर सजा मिलनी चाहिए ना तो इस महक को मिलनी चाहिए। और वैसे भी आयुष के मामा जी तो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। जो प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया, वो तो वही बताएंगे ना। आप चलिए। मैम, बैठिए। नमस्ते। देखिए स्मिता जी, आपकी बेटी कॉलेज कैंपस में बहुत ही घटिया हरकत कर रही है। ये एक लड़के के साथ पार्क में, आप समझ रही है ना? देखिए, कॉलेज में इसकी वजह से माहौल बहुत ही खराब हो रहा है, और विनेश मुझे बता रहे थे कि उसका पढ़ने लिखने में भी दिल नहीं लगता है। कॉलेज में वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा करती है और गायब हो जाती है क्लास से। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना,
तो मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैम गलती तो सायुष की भी है ना, आप उसे क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? वो तो सीधा साधा बच्चा है, इसी ने बहकाया, सब इसी की गलती है। मुझे समझ में आ रहा है, आप सिर्फ मुझ पे ही क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने आपके साथ वो सब करने से मना कर दिया इसीलिए ना। मैम इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, मुझसे कह रहे थे अगर मैं इनको खुश कर दूं तो ये मुझे मैथ्स में पास कर देंगे, लेकिन मैंने ये सब करने से मना कर दिया, इसीलिए सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। ये देख रही हो मैडम, देख रही हो उसे, अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। इतने सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं मैं, साफ सुथरी छवि है मेरी, और मुझ पे कीचड़ उछाल रही है तू? यही संस्कार दिए बहन जी आपने इसे? मां ये झूठ बोल रहे हैं। मैम इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मिता जी मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती हूँ, आज इसने मेरे एक प्रोफेसर के ऊपर कीचड़ उछाला है, कल किसी दूसरे के ऊपर उछाल सकती है, इससे कॉलेज का माहौल काफी खराब हो जाएगा, मुझे इसे रेस्टिगेट करना ही पड़ेगा बस। हाँ हाँ तो कर दीजिए रेस्टिगेट, मुझे भी ऐसे घटिया कॉलेज में नहीं पढ़ना है। महक रुक, मैं समझाती हूँ। क्या किया तुमने? प्रिंसिपल से जवाब लड़ा ली। अरे पता कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, पर तुमने सब पे पानी फेर दिया। पर भैया वो विनेश बहुत ही घटिया आदमी। चुप कर, एक तो गलती करती ऊपर से उठपटांग बहाने बनाती है। आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है लेकिन मैं आज के बाद उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा महक? और क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ में वो सब करने की? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर तुमने मेरे सारे अनुमानों पर पानी फेर दिया। अजय क्या हुआ? अरे सब बर्बाद कर दिया चाची महक ने, जाके समझाइए उसे। सच बताऊं तो ऐसी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। महक ने अजय के साथ भी झगड़ा कर लिया, तेरा दिमाग खराब होके सबसे लड़ रही है? हाँ महक, महक सुन तो सही। महक खाना बन गया, आजा खा ले। मैम मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। महक मेरा फोन उठाओ। महक मेरा फोन पिक करो, मुझे बात करनी है। I'm really sorry. तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आजा जल्दी। महक I'm sorry महक सच में बहुत डर गया था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। I'm sorry. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? पर वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही थी ना, तुम ही जबरदस्ती कर रहे थे पार्क में मेरे साथ। और सजा सिर्फ मुझे मिली जस्ट बिकॉज तुम एक अमीर घर के लड़के हो। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया और तुम सॉरी बोल रहे हो? आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे?
देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुमने उस दिन नहीं करने दिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता हूँ। बोलो, डील मंजूर है? कभी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान की बात ना मैं कभी भी नहीं मानूंगी। चाहे उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। तुम ना टीचर के नाम पर कलंक हो। थू है तुम जैसे इंसान पर। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल किया या फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की ना तो मैं सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। समझ में आया? मुझे पुलिस की धमकी देती है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। महक, अरे उठ जा बेटा, नाश्ता लग गया है, आ जा। महक, अरे कित सुसाइड किया फिर महक ने, कुछ तो चल रहा है इस कॉलेज में। अगर ये परेशान थे तो उसी ने क्यों नहीं बताया? कुमार, बॉडी पोस्टमार्टम लिख लीजिए और हाँ, इसके कॉल डिटेल निकलवा। जी सर। माफ कीजिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। महक भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें हम लोग, तो उसने कभी कुछ बताया कि उसे कोई परेशानी या कुछ और बात? सर, अभी दो दिन पहले उसे कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया। रेस्टिकेट? क्यों? मैं एक लड़के के साथ में पार्क में मिली। तो तुम? सर, ये मेरा भतीजा है, इसी शहर में रहता है। तुम कहाँ थे कल रात? सर, मैं अपने घर पे था। और वो लड़का जिसके साथ मैं पार्क में बैठी हुई थी? आयुष नाम है उसका, उसी कॉलेज में पढ़ता है। तेरा महक के साथ अफेयर चल रहा था, तेरे वजह से वो कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हुई, अपनी जान दे दी। सर, ये बात सच है कि महक के साथ मेरा अफेयर था, पर सर वो भी मुझसे प्यार करती थी। हाँ सर, रही बात कॉलेज इंसिडेंट की, तो मैं बहुत डर गया था, बस इसीलिए चुप रहा। और उसके बाद तो मैं माफी भी मांगने गया था उससे, उल्टा उसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और तूने उसे जान से मार डाला। हाँ सर, ऐसा नहीं है सर। खैर, महक का एडमिशन भी कोटा विशेष हुआ था ना? अनु के पेरेंट्स ने आरोप लगाया था कि कोटा छात्रों के साथ गलत बिहेव होता है, तो महक ने कभी कुछ ऐसा तुझसे कहा या कुछ और बात? हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स कोटा स्टूडेंट्स को चिढ़ाते थे, पर सर ये बात बिल्कुल नहीं है कि वो इस बात से सुसाइड कर लेगी। सर वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, मैं जानता था उसे। टीचरों का क्या बिहेव रहता था ऐसे बच्चों के साथ? हाँ सर, कुछ टीचर्स भी थे जो कोटा स्टूडेंट से चिढ़ते थे, पर सर विनेश सर सर वो पर्सनली बहुत ज्यादा नफरत करते थे कोटा स्टूडेंट से। सर वो अपने पर्सनली काम कराते थे, अपने ऑफिस की साफ सफाई, अपने लिए चाय मंगवाना, और तो और सर टॉयलेट तक साफ करवाते थे। सर मैंने कुछ नहीं किया। महक का कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, उसके मुताबिक कल रात 10 बजे तूने इसको कॉल किया। तूने से क्या बोला कि उसने सुसाइड कर लिया? सर मैंने तो उसे सिर्फ समझाने के लिए कॉल किया था कि वो रिटर्न में अपोलॉजी दे दे और मैं उसकी कॉलेज में फिर से एंट्री करा दूंगा, लेकिन वो तो बहुत जिद्दी थी ना, उसने मेरा फोन काट दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, महक की मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं। और अनु की मौत से? सर ये क्या कह रहे हैं? कोटा के छात्रों के साथ तो क्या बिहेव करता है अच्छे से पता है। पनिशमेंट के नाम पे उसे क्लास से बाहर कर देता है, अपने पर्सनल काम करवाता है, यहाँ तक कि कमोड साफ करवाता है। टीचर के नाम पे कलंक है तू। प्रिंसिपल ने तेरे खिलाफ गवाही दी है, वो तुझ पे नजर बनाई हुई थी अन्नू की मौत के पास से। जब कोई गरीब और पिछड़ा बच्चा किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है तो सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, पूरा समाज उससे उम्मीदें बांध देता है कि अपनी प्रतिभा के दम पे कुछ करेगा और पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। और ये कोटा सिस्टम भी इसीलिए लागू हुआ था ताकि गरीब और पिछड़े बच्चों की प्रतिभाएं दबी ना रहें।
लेकिन तू जैसे दुष्ट और गंदी सोच वाले टीचरों की वजह से ना सिर्फ उनकी प्रतिभाएं दबती हैं, बल्कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अनु ने भी वही किया। कृष्णा क्लासेस के नाम पर तूने अनु के साथ रेप किया। नहीं सर, मैंने कोई रेप नहीं था। जिस दिन अनु की मौत हुई उस दिन तू उसके साथ था। उसके बॉडी सीमेंट मिला और तेरी सीमेंट सैंपल के लिए भेजूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मैच करेंगे। तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सर उससे गलती हो गई सर। एक बच्चे की मौत। चाची ऐसे रोइए मत। आपके ऐसे रोने से हमारी मैक वापस आ जाएगी क्या? हिम्मत रखिए आप। और फिर मैं हूं ना, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? चलो फट। मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे? महक के कत्ल के जुर्म में सारे सबूत है हमारे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। गला घोट के मारा गया था उसे। इसलिए मर्डर के एंगल से हमने इस केस की छानबीन शुरू की। इस पूरे बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। उसने साफ साफ दिख रहा है कि तू उस रात यहां पे आया था। लेकिन तूने हमसे झूठ बोला कि तू उस रात घर पे था। यहां आने से पहले हमने तेरे घर की अच्छे से तलाशी ली। वहां पे महक के बहुत सारे फोटोज मिले। उस पर तूने अपनी फीलिंग्स लिख रखी। तू तो प्यार करता था उससे। फिर क्यों मारा उसे? हाँ, बहुत प्यार करता था मैं उससे, और बचपन से करता था। और क्यों ना करूं? और क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया, उसे रोज लेने जाता था, रोज छोड़ने आता था। सोचा एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसे अपनी मन की बात बताकर उसे शादी करके उसके साथ में सेटल हो जाऊंगा। और उसने क्या किया? मुझे छोड़कर उस आयुष के साथ में रंगरलियां मना रही थी। गुस्सा है मुझे। फिर उस दिन मैंने उसको सारी बात अपने मन की बता दी। बोलो मैक, क्यों किया आखिर तुमने? क्यों धोखा दिया मुझे? तो कितना प्यार करता हूँ मैं तेरे से, बचपन से चाहता तुझे, पर आज तक कभी छुआ नहीं। सिर्फ ये सोच के कि तू अभी भी शायद दादा है और एक दिन मेरे प्यार को समझेगी। पर तूने तो मेरे सारे अरमानों को पानी फेर दिया। जी, क्या बोल रहे हो भैया? मैक, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, पर जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। बस उस लड़के के साथ में ना आने के बाद से मिलना मत। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। मुझे तो तुम्हें भाई बोलते हुए भी घिन आ रही है। मैंने तुम्हारे क्या कुछ नहीं किया, तुम आज ये बोल रही हो मुझे? दूर हटो मुझसे और निकल जाओ मेरे घर से। और आइंदा आज के बाद आए ना तो मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी कि कितने कितने घटिया इंसान हो तुम। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। और फिर उस रात मैं महक को वापस मनाने आया। कर रहे हो? मुझे माफ कर दो मैं। I'm so sorry. मैं जानता हूँ कल मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। वो सब छोड़ो। मैंने ना दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करी है। मैं कल ही तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। फिर हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों वहीं पर रहने लगेंगे और खूब इंजॉय करेंगे हम। अब बिना फालतू का गुस्सा थूक दो ना। जानता तुम भी मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। आई लव यू मैक। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो कहीं जाके डूब मरो। तू है तुम जैसे भाई पर। रुको, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। मैं उसे मार के नहीं चाहता था, पर गुस्से में हो गया। मेरे
चल, 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 चल,